NTAUGCNET yani Imaginet. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पे। दोस्तों आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करवा दिया है, अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाना, वहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट वीडियोज़ मिल जाएगी रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। और दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप हमारे सभी वीडियोज़ देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की और नोट्स रीड करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये हमारा देखिए जैसे जून 2020 का एग्ज़ाम है और इसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो नए ऐड हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा मैं क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं हम पहले कौन सा है। ये देखिए 20 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर ये देखिए दोस्तों ये है टेरिटरी सोर्स ऑफ डेटा पूछ रहे हैं कौन सा है, तो ये हमें बताना है दोस्तों। और यहाँ पे एक और चीज़ दो जो इम्पोर्टेंट आती है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास, कि इससे पहले हमें तीन तरह की चीज़ें पता होना ज़रूरी है। देखिए जो इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है रिसर्च के अंदर तीन तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स और तीसरा जो होता है टेरिटरी सोर्स होता है दोस्तों। तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए और इसमें से करीब 3 से 4 बार पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब देखिए इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे सकें। अब देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास प्राइमरी सोर्स आता है। देखिए प्राइमरी जो सोर्स होता है वो हमारा वो सोर्स होता है जो जहाँ से हम बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं कहीं जाके तो वो हमारा ओरिजिनल डेटा है, और उसी तरीके से जब हम इंटरव्यू वगैरह लेते हैं या कहीं पे जाके फोटोग्राफी करते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते तो वो सभी क्या है कि वो हमारे प्राइमरी सोर्स है डेटा इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमारे लिए डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेटा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, तो इसमें जो प्राइमरी सोर्स है जहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो है बिल्कुल डायरेक्टली रूप से जो आती है, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास सेकेंडरी सोर्स। अब देखिए सेकेंडरी सोर्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जैसे पहले से किसी ने बुक लिखी हुई है उसका हम डेटा लेते हैं, और या फिर पहले से किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा है या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे फुटेज वगैरह होगी तो वहाँ से हम लेते हैं, यानी कि पहले से किसी ने रिसर्च कर रखी है या किसी ने डेटा इकट्ठा कर रखा है या बुक लिख रखी है वहाँ से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास टेरिटरी सोर्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के डेटा का यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर जैसे एग्जांपल भी दे रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया हो गया, हैंडबुक हो गया और रेफरेंसेस जो होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर तीसरी तरह के सोर्स के अंदर आती है। और अब बात आती है दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन था ना हमारा टेरिटरी सोर्स ऑफ डेटा इज़, अब हमें बताना कि तीसरी तरह का जो डेटा सोर्स होता है वो कौन सा होता है। इसके अंदर जैसे इन्होंने आंसर दिया है आंसर नंबर 3, इसमें देखिए ये इन्फॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, ठीक है वही बात आ गई ना, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा लिया जाता है उसे हम कहते हैं टेरिटरी सोर्स कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 21 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का है ये। इसके अंदर देखिए प्रतिभागी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है। अब देखिए ये सबसे पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए तो उसे इंग्लिश में पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब इसे ये देख लेते हैं एक मिनट, यहाँ पे प्रतिभागी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है, इसको हम इंग्लिश में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में
आ जाए यही क्वेश्चन, ये शायद यहाँ पे है, एक मिनट रुके दोस्तों। हाँ ये रहा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज पार्ट ऑफ, ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डी, नरजातीय शोध। अब इंग्लिश में नरजातीय शोध को क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। अब हमें ये पता होना ज़रूरी है कि इथेनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, और ये जो टॉपिक है दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ, ये 3 बार क्वेश्चन आया है, तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए इथेनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, इज ए क्वांटिटेटिव, इथेनोग्राफिक रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव मेथड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह का मेथड है, यह है क्वालिटेटिव मेथड है, वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद ए स्टडी पार्टिसिपेंट इन, वेयर रिसर्चर ऑब्जर्वर, वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व एंड और इंटरेक्ट विद ए स्टडीज पार्टिसिपेंट इन देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट। यानी कि इस तरह की स्टडी जिसके अंदर ऑब्जर्वर जो पार्टिसिपेंट कर रहा है उसकी रियल लाइफ की सिचुएशन को एनालिसिस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। अंदर अगर हम आसान भाषा में समझें तो किसी की रियल लाइफ से रिलेटेड कोई हम रिसर्च करें, उससे कुछ एविडेंस ले, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। और इससे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ, ये यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए, इसका इथेनोग्राफिक रिसर्च दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन और देखते हैं कि ऐसे कौन से, ये देखिए ये 24 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अब इसके अंदर देखिए, डाक से प्रेषित अवलोकन साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण है। अब देखिए अभी हमने किया था ना प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टेरिटरी सोर्स, ये 3 तरह के सोर्स हमने किए। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। डाक से प्रेषित अवलोकन साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डेटा है किस तरह का डेटा है। अब देखिए इसके अंदर हम डायरेक्टली ले रहे हैं किसी से इन्फॉर्मेशन, साक्षात्कार है, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो डायरेक्टली उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो हमने बताया था कि जहाँ पे हम डायरेक्टली रूप से इन्फॉर्मेशन ले तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सोर्स यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी देखिए, प्राथमिक सोर्स यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, और आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, और जो भी आपके विचार हैं अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन है, ये हमारा ये हम देखते हैं कौन सी ईयर का, ये 24 जून का ही है, 2019 का ही है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंत क्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद कहलाता है। अब वही बात आ रही है दोस्तों, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये कह क्या रहा है। देखिए इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हम किसी के किसी गांव में गए और वहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोग नशा करते हैं और किस तरह से नशा करते हैं। तो उसमें हमने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या आप शराब पीते हैं, तो उसने कहा भाई हाँ मैं शराब पीता हूँ, ठीक है। तो उसी बात से हम अंदाज़ा लगा के, और अगला जो क्वेश्चन होता है कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, वो उससे पूछे बगैर ही हम अपनी ओर से उसको टिक कर दे, या फिर अपनी ओर से उसकी रेटिंग निर्धारित कर दे कि जो इंसान मान लो शराब पीता है तो वो सिगरेट भी पीता होगा, अपनी ओर से निर्धारित कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलो प्रभाव कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंत क्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर, अब देखिए दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर वही है ना कि हमने पूछा कि क्या आप शराब पीते हैं, तो उसने कहा कि हाँ मैं शराब पीता हूँ, वो उसने मान लो रेटिंग दे दी, उसी के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करना,
उसी के आधार पर व्यक्ति के अन्य पहलू की रेटिंग जब हम करते हैं तो वो क्या होता है दोस्त, हेलो प्रभाव होता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो है ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मैंने करवाए थे, ये तीनों के तीनों स्केल मैंने आपको करवाए हुए हैं, गुडमैन स्केल, लिकर्ट स्केल और थर्स्टोन स्केल, ये सभी स्केल मैंने करवाए हैं। अगर इसकी आपने वीडियो नहीं देखी तो वो आप देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समकालिक कोटि निर्धारित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लिकर्ट स्केल कहते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वो वीडियो जरूर देखें। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिवो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों डबल ब्लाइंड कहते हैं। यानी कि जो भी कोई ऑब्जर्वर है उसे ये नहीं पता कि जो जिसे प्रयोग कर रहे हैं वो कौन है और जिस ग्रुप के ऊपर कर रहे हैं तो वो कौन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं दोस्तों। यानी कि कई बार देखिए वही बात आ रही है कि हम जैसे गाँव के अंदर जाते हैं और एक ही शराबी से हम पूछे कि तेरे यार दोस्तों के बारे में बता भाई, कितने लोग शराब पीते हैं, कितने लोग नशा करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी ले रहे हैं लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, जिस शोध विधि में सामान्यकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है इसे क्या कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति पर हमने स्टडी की और उस व्यक्ति की स्टडी किसी अन्य समूह पर लागू होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों केस स्टडी कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को स्टडी किया और उसी से जो रिजल्ट निकाला हमने वो अन्य व्यक्तियों पर लागू करें तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी कहते हैं। और ये केवल व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी भी घटना की बात हो सकती है, किसी परिस्थिति की भी बात हो सकती है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन, आगे दोस्तों हमारे पास 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन नंबर 4, निरंतर आधार पर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए आवश्यक अनुसंधान डिजाइन को वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, जब हम कंटिन्यूसली कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं या फिर कोई तथ्य के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते किसी चीज़ को, जैसे कि हर 5 साल के अंदर, जैसे हम मान के चलते कि 1980 के बाद में क्या इफेक्ट पड़ा है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो हर 5 साल के अंदर उसके अंदर हम स्टडी करें देखें तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहेंगे, ठीक है। और आगे है हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, अब वही बात आ गई, ये है हिंदी में, हिंदी में हमको समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे कहाँ है भैया, ये रहा हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिगम द फोकस ऑफ कंसर्न इज एन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब वही बात आ गई ना, हमने सबसे पहले की थी इथेनोग्राफिक रिसर्च के अंदर, जहाँ पे हम रियल सिचुएशन, किसी व्यक्ति की रियल सिचुएशन से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 7 17 पेज पे, और हम चलते हैं सबसे पहले पे ही, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ कहाँ है भैया, ये रहा ये रहा ये रहा, हाँ ये रहा, ये देखिए ये रहा दोस्तों वो इथेनोग्राफिक रिसर्च। इसके अंदर देखिए कि स्टडी पार्टिसिपेंट इन देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि रियल लाइफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई स्टडी करे, ऑब्जर्वेशन करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। और इससे हिंदी में क्या कहा जाता है, नरजातीय रिसर्च शोध कहा जाता है। अब हम उसी क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, हमारा 17 नंबर पेज पे था वो, ये रहा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि रियलिटी इन टर्म ऑफ पार्टिसिपेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 इथेनोग्राफिक रिसर्च कहेंगे।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये है 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, आप यहाँ पे डेट चेक कर लीजिए, ठीक है। अभी जो अपना एग्ज़ाम हुआ है वो है ये, और इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25। अब दोबारा फिर क्या आ गया, नजातीय शोध, तो ये कौन सी है दोस्तों, ये है इथेनोग्राफिक रिसर्च, जिसके बारे में हमने अभी तक 2 बार क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि जून 2019 में 2 बार रिपीट हुआ है और फिर ये दिसंबर 2019 में भी रिपीट हुआ है। तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक रिसर्च के अंदर जो कुछ रह गए थे हमारे। और दोस्तों अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरा कोर्स करना है, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं। 2012 से लेके 2019 तक जितने भी रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं जून 2019, दिसंबर 2019 के रिसर्च के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सारे के सारे। इस तरीके से आपको दोस्तों सभी टॉपिक के क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे, जैसे दिसंबर 2012 से 19 तक रिसर्च के अलग, कम्युनिकेशन के अलग, टीचिंग के अलग। इनसे आप बहुत अच्छे से ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो आप चाहे तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, उसकी फ़ीस क्या है और आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।